मधुबनी में बालू से लदा जब्त ट्रक थाना से गायब। खनन अधिकारी ने 12 जनवरी को ट्रक पकड़ कर किया था पुलिस के हवाले। अरेर थाना की घटना, जहां देर रात अपराधियों ने ट्रक की कर ली चोरी। थाने के सामने सड़क किनारे खड़ा था ट्रक। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पुलिस की अभिरक्षा से एक ट्रक चोरी हो गया। दरअसल मामला मधुबनी जिला के अरेर थाना क्षेत्र का है, जहां बीते 12 जनवरी को खनन विभाग मधुबनी के द्वारा एक बालू लदा ट्रक को जब्त कर थाने के सुपुर्द कर दिया गया था। थाना परिसर में जगह खाली नहीं रहने के कारण ट्रक को थाना के सामने ही सड़क किनारे खड़ा कर दिया गया था, लेकिन बुधवार की अहले सुबह ही चोरों ने इस ट्रक को पुलिस की अभिरक्षा से गायब कर दिया। अब अरेर थाना प्रभारी ने इस मामले को लेकर चोरी की प्राथमिकी वाहन मालिक और ड्राइवर के खिलाफ दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभियुक्त को गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। वहीं इस मामले को लेकर एसपी सुशील कुमार ने कहा कि इस प्रकार की लापरवाही सामने आई, जो भी अधिकारी इस मामले को लेकर दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि थाना के सामने से आखिर चोर इतनी सफाई से ट्रक जैसे बड़े वाहन को कैसे चोरी कर ले गया और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। थाना से ट्रक चोरी की घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। मधुबनी से चौथा स्तंभ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बालू लदा हुआ ट्रक चोरी होने का मामला सामने आया, क्या है सर पूरा मामला? इसमें अरेर थाना में बाहर गाड़ी लगी हुई थी, बालू लदा हुआ ट्रैक्टर जो है लगा हुआ था, उसको सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग में धुंध का फायदा उठा करके कुछ लोग जो है जो मालिक हैं वही उसको लेके चले गए। तो तरीके से पुलिस की जब्ती थी वो उसको निकल गया, उस पर केस किया गया और उनकी गिरफ्तारी के लिए और गाड़ी की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। तो थाने के सामने से इस तरीके का मामला सामने आया है, तो क्या जो पदाधिकारी है जिनको निगरानी के लिए दिया गया था उनके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं।